तो नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से श्याम एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप एक डिप्लोमा पॉलिटेक्निक केमिकल ब्रांच के स्टूडेंट हैं और आपका इस बार सेकेंड सेमेस्टर है तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको डिप्लोमा पॉलिटेक्निक केमिकल इंजीनियरिंग के सेकेंड सेमेस्टर के न्यू सिलेबस 2023-24 के बारे में बताने वाला हूँ। केमिकल इंजीनियरिंग के सेकेंड सेमेस्टर में टोटल आपको कितने सब्जेक्ट्स को पढ़ने होंगे, कौन कौन से नए सब्जेक्ट को शामिल किया गया है और कौन कौन से प्रकाशन का बुक परचेज करें ताकि हमारी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे तरीके कैसे हो सके। तो दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग के सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और सिलेबस के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे डिप्लोमा पॉलिटेक्निक केमिकल इंजीनियरिंग के सेकेंड सेमेस्टर में टोटल आपको कितने सब्जेक्ट्स को पढ़ने होंगे। तो दोस्तों, डिप्लोमा पॉलिटेक्निक केमिकल इंजीनियरिंग के सेकेंड सेमेस्टर में टोटल आपको 6 सब्जेक्ट्स को पढ़ने होंगे, जिसमें नंबर 1 पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो है अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड। तो जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट को पढ़ा था, सेम उसी तरीके से इसमें भी आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड को पढ़ना होगा। इसमें आपका ओनली रिटन एग्जाम होता है, इसमें कोई प्रैक्टिकल वाइवा नहीं कराए जाते हैं। और दोस्तों, आपको इसकी बुक सार्थक पब्लिकेशन की लेनी है अगर आप अपने प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो। इसके बाद नंबर 2 पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो है अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड। दोस्तों, जैसे कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट को पढ़ा था, सेम उसी तरीके से इसमें आपको अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड को पढ़ना होगा। इसमें आपका प्रैक्टिकल वाइवा और रिटन एग्जाम तीनों कराए जाते हैं, जिसमें आपका 50 नंबर का रिटन एग्जाम होता है और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है और 20 नंबर आपको वाइवा और कॉलेज के थ्रू दिए जाते हैं। यानी कि टोटल आपका इसमें कुल मिलाकर एक्सटर्नल और इंटरनल 100 नंबर का एग्जाम कराए जाते हैं। और दोस्तों, आपको इसकी बुक भी सार्थक पब्लिकेशन की लेनी है अगर आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से कंटिन्यू करना चाहते हैं। इसके बाद नंबर 3 पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो है अप्लाइड मैकेनिक्स। ये सब्जेक्ट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और आपके फ्यूचर के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें आपको क्या पढ़ना होता है, इसमें आपका ज्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आते हैं और इसमें आपका प्रैक्टिकल वाइवा और रिटन एग्जाम तीनों कराए जाते हैं, जिसमें आपका 50 नंबर का रिटन एग्जाम होता है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और 20 नंबर आपको वाइवा और कॉलेज के थ्रू दिए जाते हैं। यानी कि टोटल आपका इसमें कुल मिलाकर एक्सटर्नल और इंटरनल 100 नंबर का एग्जाम कराए जाते हैं। और दोस्तों, आपको इसकी बुक सार्थक पब्लिकेशन की लेनी है अगर आप अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो। अदरवाइज अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो आप उससे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद नंबर 4 पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग, इसे शॉर्टकट में BMC के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपको क्या पढ़ाया जाता है, इसमें आपको मैकेनिकल और सिविल के बेसिक पार्ट्स के बारे में पढ़ना होता है। इसमें आपका प्रैक्टिकल वाइवा और रिटन एग्जाम तीनों कराए जाते हैं, जिसमें आपका 50 नंबर का रिटन एग्जाम होता है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और 20 नंबर आपको वाइवा और कॉलेज के थ्रू दिए जाते हैं। यानी कि टोटल आपका इसमें कुल मिलाकर एक्सटर्नल और इंटरनल 100 नंबर का एग्जाम कराए जाते हैं। और दोस्तों, आपको इसकी बुक भी सार्थक पब्लिकेशन की लेनी है अगर आप अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो। अदरवाइज अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो आप उससे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद नंबर 5 पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो है मैकेनिकल ऑपरेशंस एंड सॉलिड हैंडलिंग, इसे शॉर्टकट में MOS के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपका प्रैक्टिकल वाइवा और रिटन एग्जाम तीनों कराए जाते हैं, जिसमें आपका 50 नंबर का रिटन एग्जाम होता है और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है और 20 नंबर आपको वाइवा और कॉलेज के थ्रू दिए जाते हैं। यानी कि टोटल आपका इसमें कुल मिलाकर एक्सटर्नल और इंटरनल 100 नंबर का एग्जाम कराए जाते हैं। और दोस्तों, आपको इसकी बुक भी सार्थक पब्लिकेशन की लेनी है अगर आप अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो। अदरवाइज अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो आप उससे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट सब्जेक्ट जो केमिकल इंजीनियरिंग के सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट को पढ़ना होगा वो है जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस सेकंड। दोस्तों, जैसे कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस फर्स्ट को पढ़ा था, सेम उसी तरीके से इसमें भी आपको जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस सेकंड को पढ़ना होगा। जैसे आपने उसमें प्रैक्टिकल दिया था, फाइल बनाया था, सेम उसी तरीके से इसमें भी आपको प्रैक्टिकल देना होगा, फाइल बनाना होगा और उसी के बेस पे आपको उसमें नंबर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये टोटल आपको 6 सब्जेक्ट्स को पढ़ने होंगे डिप्लोमा पॉलिटेक्निक केमिकल इंजीनियरिंग के सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट को। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये डिप्लोमा पॉलिटेक्निक केमिकल इंजीनियरिंग सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड सिलेबस के बारे में वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।